अच्छी, बहुत अच्छी मूवी है। एंड एक सोशल मैसेज देके जाती है कि बेसिकली जो लड़की हैं उनको दबाया नहीं जा सकता, एक थप्पड़ से, एक छोटी सी चिंगारी से क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। समाज बदले या ना बदले, लेकिन इस तरह के फिल्म से शायद वो सोच तो शुरुआत हो, कम से कम लोग सोचने लगे कि ये सिर्फ थप्पड़ की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत अच्छी मूवी है, इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड एंड इट्स वेरी नाइसली डन, ग्रेट वर्क। फिल्म बहुत अच्छी है, तापसी ने बहुत अच्छा काम किया है, अनुभव सिन्हा ने भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। तो 5 में कितने स्टार? 4 स्टार। समाज बदले या ना बदले, लेकिन इस तरह के फिल्म से शायद वो सोच तो शुरुआत हो, कम से कम लोग सोचने लगे कि ये सिर्फ थप्पड़ की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो देखें इसलिए क्योंकि ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, ये दोनों की है, और सिर्फ थप्पड़ की भी बात नहीं है, उसके पीछे जो भी उनकी मानसिकता होती है, पुरुषों की जो मानसिकता होती है उनकी बात है ये। कैसी लगी आपको क्या? बहुत अच्छी मूवी है, इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड एंड इट्स वेरी नाइसली डन, ग्रेट वर्क। तो बिल्कुल देखें क्योंकि इट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड, ये सिर्फ एक स्लैप, एक थप्पड़ की बात नहीं है, वो मेंटली कितना अफेक्ट होता है एक इंसान को, उसके बारे में है मूवी और बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हर इंसान को देखनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको देखने के बाद लोग इंस्टिगेट हो जाएंगे एंड दिल भी लाइक कि एक थप्पड़ मार दिया तो घर छोड़ के जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इट टेल्स यू दैट यू डोंट हैव टू कीप एवरीथिंग इनसाइड यू एंड इट्स नॉट ओके, वायलेंस इज़ नॉट ओके, इफ़ समबडी इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू इट्स नॉट ओके, सो आई थिंक इसलिए मूवी देखनी चाहिए लोगों को। आई थिंक 4 से अच्छा काम मुझे लगता है दोनों लीड कास्ट ने सही किया है, तापसी पन्नू, पवेल गुलाटी दोनों बहुत सही थे, बट अनुभव सिन्हा को क्रेडिट जाना चाहिए बिकॉज उनकी मूवी है एंड आई थिंक द सॉन्ग्स आर राइटली पुट, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे डाला गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म यार, हर किसी ने देखनी चाहिए, मतलब जैसे ही मैं फिल्म जस्ट थिएटर के बाहर निकला हूँ और शौक से अभी तक बाहर नहीं आ रहा पाऊँ। ये बुरी फिल्म का शौक नहीं, ये अच्छी फिल्म का अच्छा वाला शौक है, जो आपको ये बताएगा कि आपको हर किसी अंदाज में, हम फेमिनिज्म को देखते हैं, हम फीमेल्स को देखते हैं, उनके जहन के बारे में कैसा सोचते हैं, वो अपने बारे में कैसा सोचती है, इस पर सोचने पर मजबूर कर देगा। देर आर वेरी फ्यू फिल्म दैट मेक यू थिंक, दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर जेम्स ऑफ अ फिल्म दैट विल मेक यू थिंक, और हर किसी ने देखनी चाहिए, सिर्फ औरतों ने नहीं, हर किसी ने, मर्दों ने, उनके हस्बैंड ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने, ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, कि हम कैसे सोच रहे हैं एक जेंडर को लेकर, इसके ऊपर ये फिल्म है। इट्स नॉट अबाउट बींग स्लैप और इट्स नॉट अबाउट अ थप्पड़, इट्स नॉट अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज, इट्स अ स्लैप ऑन आर माइंडसेट, हम कैसे सोचते हैं औरतों के बारे में या किसी एक जेंडर के बारे में, उसके पावर के बारे में। देखो मुझे रेटिंग ना मुझे समझ में नहीं आएगी वो कैसे आप किस किस, तो जिस तरीके का सब्जेक्ट है, फॉर द ब्रेवरी ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट ऑफ दिस फिल्म, आई थिंक फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म, जिस तरीके से बखूबी परफॉर्मेंसेस है, स्टोरी लाइन है, इतनी लेयर्ड है ये फिल्म, एक व्यूइंग में आपको डायरेक्टली शायद समझना है, लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स, काफ़ी डीप फिल्म है, तो मुझे तो लगता है 3.5 स्टार फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, जिस तरीके से स्टोरी दिखाई गई है, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस को निभाया गया है। देखो ये तो मसाला फिल्मों में से नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवी वॉचिंग विथ पॉपकॉर्न एंड दिस सिनेमा वॉचिंग, अगर आपको एक मैसेज देना है लार्जर मासेस को और आपको एक अच्छे वे में देना है, एक अच्छी बेहतरीन इंटेलिजेंट फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें कोई ना कोई एक सोशल बहुत ही तगड़ा मैसेज है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स। यस, कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत बढ़िया है एंड आई एम प्रिटी श्योर जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे बहुत ब्यूटिफुली कन्वे हुआ है थ्रू आउट द फिल्म एंड बहुत छोटे छोटे चंक्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऑफ कोर्स अनुभव सिन्हा हैज डन एन अमेजिंग जॉब। 5 में कितने देते हैं? सॉरी, 5 में कितने आउट ऑफ 5 आप कितने? 4.5। वो लोग ने जिस वे में साइलेंस को ब्यूटीफुली यूज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, और सबसे अच्छा काम कितने लगा किया? यार ऐसे तो सबका काम बहुत बढ़िया है, एवरी कैरेक्टर हैड सम और द अदर थिंग, तो यस एवरीवन हैड अ डिफरेंट रोल एंड एवरीवन डिड इट अमेजिंग। दर्शक फिल्म देखने क्यों जाएं और देखनी जरूरी है क्या?
टाइम और पैसा वसूल होगा? डेफिनेटली बिग येस होगा ही होगा, और मैं तो चाहता हूँ कि सब ये फिल्म देखें, जितनी भी ऑडियंस है. ओके, ऑफ कोर्स पैसा वसूल होगा, डेफिनेटली एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म. फिल्म देखकर बाहर निकली है, आपकी प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया यही है कि अनुभव सिन्हा एक सिनेमा ऑफ चेंज बना रहे हैं. पहले मुल्क, फिर आर्टिकल 15, अब थप्पड़, जो अगेन एक आईपीसी, एक अगेन एक लॉ को, लॉ के तहत फिल्म बनाई है, ऊपर से वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई है. जो एक जो इशू को उन्होंने एक्चुअली टैकल किया है वो बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव इशू है फॉर वुमेन. एंड दो ही सेज कि इट इज़ फॉर मैन, आई थिंक इट इज़ मोर फॉर वुमेन. थप्पड़ सिनेमा ऑफ चेंज बना रहे हैं. अनुभव का जो सिनेमा है वो एक्चुअली समाज को चेंज करने का सिनेमा बन गया है, और थप्पड़ भी उसी तरह डायरेक्शन में जाता है. पर जिस तरीके से अनुभव ने सब्जेक्ट को टैकल किया है बहुत ही प्रोग्रेसिव है, और हमारी सोसाइटी अभी हमारी सोसाइटी जिस तरह की अभी एट प्रेजेंट है उससे ये थोड़ा सा दूर है. पर आई होप ये जो 2% केसेस होते हैं जो अनुभव ने अपनी फिल्म में दिखाया वो 20 या 25 पे बढ़े, और जो कल्मिनेशन दिखाया वो ज़्यादा हमको कोर्ट के बाहर दिखे, रादर देन यू नो अगर अब तुम चले जाओ फैमिली कोर्ट या बैंड्रा कोर्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. बट अनुभव ने एक्चुअली हैज़ मेड एन अटेम्प्ट टू टेल द सोसाइटी दिस इज़ ऑल्सो द वे टू टैकल, इफ टू पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेपरेट. मेरे को तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस तो सब कुछ अच्छा है. राइटर्स लाइक अनुभव और मृन्मय को मैं फुल मार्क्स देती हूँ. कुमुद मिश्रा इज़ ब्रिलियंट एंड 3.5 स्टार्स. अच्छी लगी वैसे, बट थोड़ी स्लो लगी. तापसी ऑफ कोर्स, तापसी के आसपास में जो कैरेक्टर्स थे, रत्ना पाठक शाह, कुमुद मिश्रा जी, तन्वी आज़मी जी, जस्टिस किया है उन्होंने भी कैरेक्टर के साथ पूरा. वेल, मेरे हिसाब से देखना ज़रूरी तो नहीं है. टाइम और पैसे की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं पर यू नो थप्पड़ को प्रमोट किया गया था बिगिनिंग में ही, जब से प्रोमो आउट हुआ था तब से लेकर के ये कबीर सिंह के एक थप्पड़ के अगेंस्ट जवाब है. तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मैं ये बोलूँगी कि उस एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखो और उसके बाद जाकर देखो. इफ़ यू आर अ तापसी फ़ैन एंड इफ़ यू रियली लाइक मूवीज़ जो कहीं ना कहीं पर एक क्वेश्चन प्रोवोक करती हैं, अगर सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जिसके अगेंस्ट जाकर अगर बात करती हैं, वैसी फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो ज़रूर देखो. इमोशनल है, अच्छी है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, लेकिन पैसेंस बना के रखने के बाद, इंटरवल के बाद थोड़ा सा इमोशनल, मतलब इमोशंस और बढ़ते गया. और ये दो पति पत्नी के बीच में, मतलब एक औरत और एक मर्द के बीच की कहानी दिखाई गई है. अच्छी फिल्म है, देखना चाहिए सबको. 5 में 3.5 दूंगा मैं. सलाह क्या देंगे हमको, हम फिल्म देखने जाएं? फिल्म देखने आप जरूर जाएं, क्योंकि इस फिल्म में जो डायरेक्शन की गई है, जो बताया गया इस फिल्म की कहानी में, जो दर्शकों को पहुंचाने की बात की गई है इस फिल्म में, यही बात हो रही है कि दो लोग शादी प्यार करते हैं, शादी करते हैं या फिर अरेंज मैरिज होता है या फिर लव मैरिज होता है, उसके बाद जो पटरी चलती है लाइफ की, बीच में अनबन, झगड़ा, प्यार, सब कुछ चलता है. लेकिन कभी कभी होता है क्या कि आदमी इतना मतलब माइंडली टेंशन में आ जाता है वर्क को लेकर, वर्कलोड को लेकर या फिर घरेलू बातों को लेकर, कि आपस में बन नहीं पाती है, उसको लेकर बताया गया है. इसलिए फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी सीरियस फिल्म, काफ़ी सीरियस मैटर पे बनाई गई है, क्योंकि एक पति पत्नी को समझना ज़रूरी होता है. हाँ, पैसा वसूल, अगर आप इमोशनल फिल्म देखना चाहते हैं तो पैसा वसूल है, अगर आप इंजॉय चाहते हैं, सिटी चाहते हैं तो फिर. थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू.